Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare. Act 1, Scene 2, Part 1. Act 1, Scene 1 already explained है, descriptions में link है, आप please वहाँ से जाके उसको सुन लीजिए, क्योंकि उसको आप तभी आपको समझ में आएगा कि first scene और second scene कितना difference है. First scene बहुत ही intense है और दो भाइयों में बहुत ही नफरत दिखाया जाता है, और सीन टू में यहाँ दोनों बहनों में जो भी कज़न से बहुत प्यार देखा जाता है. तो और थोड़ा ये लाइट हार्टेड सीन है, मतलब ये सीन क्योंकि इससे पहले बहुत ही इंटेंस सीन दिखाया गया, तो शेक्सपियर हमेशा ऐसा देखिएगा आप कि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट रखते हैं. फर्स्ट सीन अगर ज़्यादा इंटेंस होता है तो फिर बाकी के सीन वो थोड़ा लाइट हार्टेड दिखाते हैं, जैसा मैकबेथ में भी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी है, वैसे यहाँ पर भी है. एंटर सीलिया, यहाँ पे दो बहन आती है, फर्स्ट है सीलिया, सेकंड है रोजलैंड. ठीक है, अब सीलिया कहती है, सीलिया आई प्रे दी रोजलैंड, वो अपनी कज़न को कह रही है, मतलब दो है आपको दिमाग में रखना, यहाँ दो बहन है सीलिया और रोजलैंड. सीलिया कह रही है रोजलैंड से, आई प्रे दी रोजलैंड स्वीट माई कज़न बी मेरी, वो कह रही है प्लीज़ मेरी स्वीट कज़न हैप्पी खुश हो जाओ. अब रोजलैंड जो है, क्योंकि उसके फादर, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, सीलिया जो है वो अभी उसके फादर अभी ड्यूक है, और रोजलैंड जो है उसके फादर को बैनिश कर दिया गया, और किसके फादर ने किया, सीलिया के फादर ने किया, मतलब वो दो भाई सगे जो दो भाई हैं उसमें से छोटे भाई ने बड़े भाई को निकाल दिया है, ड्यूक फ्रेडरिक और सीनियर, और यहाँ पे जो है यहाँ पे दो ये कजिन्स हैं सीलिया और रोजलैंड. सीलिया जो है उसके फादर जो है वो अभी ड्यूक है, और रोजलैंड के फादर को बैनिश कर दिया गया है. तो अब रोजलैंड क्योंकि वो बहुत दुखी है उनके फादर को बैनिश कर दिया गया, तो वो कहती है डियर सीलिया, वो कहती है प्लीज़ सीलिया, वो बहुत दुखी नज़र आती है, और सीलिया उनको कहती है कि तुम थोड़ा सा खुश हो जाओ, क्योंकि उस सीलिया के लिए रोजलैंड की खुशी सब कुछ है, और रोजलैंड भी उसके बहुत प्यार करती है, बट अभी इस वक्त वो बहुत दुखी है. आई शो मोर मर्थ देन आई एम मिस्ट्रेस ऑफ, मतलब मैं ऐसे खुश हूँ जितना मैं फील कर पा रही हूँ उससे तो ज़्यादा ही मैं खुश दिखा रही हूँ. एंड वुड यू येट आई वर मैरियर, और तुम चाहती हो कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें खुश दिखाऊँ, अनलेस यू कुड टीच मी टू फॉरगेट अ बैनिश फादर, अगर तुम मुझे ये सिखा दो कि मैं बैनिश हूँ, कि मेरे फादर को यहाँ से निकाल दिया गया, मैं उसे कैसे भूल जाऊँ. You must learn me how to remember any extraordinary pleasure. तो उससे पहले तुम ये कोई चीज़ मुझे मत सिखाओ कि मैं extraordinary pleasure, यानी कि extra happiness मैं कैसे दिखाऊँ, ये मुझे प्लीज़ मत सिखाओ, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, उनका कहने का मतलब है. Celia, herein I see thou loves, अब वो कहती है कि अब मुझे लग रहा है, वो थोड़ा सा उसको अपने प्यार में ज़्यादा, मतलब कि सिर्फ उनके लिए सीलिया, मतलब सीलिया चाहती है कि रोजलैंड से उनके बारे में सोचे, तो यहाँ पे वो कन्वेंस करती हैं, शी गिव्स अ वेरी गुड एग्जांपल, वो कहती हैं कि हियर इन आई सी दाउ लव्स्ट मी नॉट विद द फुल वेट दैट आई लव दी, वो यहाँ पे कहती हैं यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ, तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती, फुल वेट उतना प्यार नहीं करती दैट आई लव दी, जितना मैं तुमसे करती हूँ. इफ माई अंकल, जो मेरे अंकल है, दाई बैनिश फादर, चूंकि तुम्हारे जो, मतलब मेरे अंकल को बैनिश कर दिया गया, हैड बैनिश दाई अंकल, अगर मेरे फादर को बैनिश कर दिया जाता द ड्यूक माय फादर, सो दाउ हैड्स बीन स्टिल विथ मी, अगर तुम मेरे साथ तब भी होती, आई कुड हैव टॉट माय लव टू टेक दाय फादर फॉर माइन, तो मैं खुद को ये चीज़ सिखा देती कि तुम्हारे फादर को मैं अपने फादर की तरह ट्रीट करूं, और ये गम को भूल जाऊं कि मेरे फादर को निकाल दिया गया, क्योंकि जब मैं तुम्हारे फादर को अपने फादर समझ लेती तो मुझे वो गम नहीं होता, अगर तुम मेरे साथ होती तो मैं यही चीज़ करती. उनका कहने का मतलब है, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम भी ये चीज़ सोचो, तुम भी अपने अंकल को यानी मेरे फादर को अपने फादर की तरह ट्रीट करो, तो नेचुरली है तुम अपने फादर की बैनिशमेंट में इतना दुखी नहीं रहोगी, थोड़ा भूल जाओगी. सो वुड्स दाउ इफ द ट्रूथ ऑफ दाई लव टू मी वॉज सो राइटियसली टेम्पर्ड एज माइन इज टू दी, वो यहाँ पे फिर कह रही है अगर तुम्हारा प्यार इतना ज़्यादा सच्चा होता मेरे लिए तो तुम भी यही करती, पर शायद तुम्हारा नहीं है. रोजलैंड कहती है वेल आई विल फॉरगेट द कंडीशन, वो बहुत कहती है कि आई विल फॉरगेट द कंडीशन ऑफ माई स्टेट टू रिजॉइस इन योर्स, वो कहती है कि मैं अपने कंडीशन को, अपनी जो डिफिकल्टीज है सिचुएशन की, वो मैं भूल जाऊँ ताकि मैं तुम्हारी, मतलब तुम्हारे साथ मैं खुश हो जाऊँ, मतलब वो कहने का मतलब है कि वो इम्पॉसिबल है ये चीज़ होना,
अपने इतने बड़े गम को बुलाना बहुत इम्पॉसिबल है। तो सीलिया कहती है यू नो, तुमको तो पता है माई फादर हैड नो चाइल्ड। अब वो उसको एक्सप्लेन करती है बहुत ही, मतलब देखो कितना डिफरेंसेस है यहाँ पे कि सीलिया और रोजलिन कजन्स हैं, फिर भी सीलिया अपनी खुशी से सब कुछ देना चाहती है रोजलिन को, बट यहाँ पे उल्टा दिखाता है। उनके जो दो फादर है, एक्चुअली गलती यहाँ पे सीलिया की फादर की है, क्योंकि ड्यूक तो असल में रोजलिन की फादर ही थे, पर उन्होंने अपने ट्रिकीनेस से गलत, मतलब गलत मीन्स के साथ ड्यूक को अपनाया, किंगडम को अपनाया, बट ये गलत था। पर यहाँ पे सीलिया कहती है यू नो माई फादर हैड नो चाइल्ड बट आई नॉर नन इज लाइकली टू हैव, नन लाइकली टू हैव मतलब अब तो और होगा नहीं बच्चा, मैं इकलौती हूँ। एंड ट्रूली वेन ही डाइज, और मैं सच कह रही हूँ, वेन ही डाइज वो मरेंगे, दाउ शैल्ट बी हिज हेयर, तुम इस गद्दी पे राज करोगी, तुम उसकी बेटी बनोगी, मैं नहीं। फॉर वट ही हैड टेकन अवे फ्रॉम दाई फादर पर फोर्स, और जो उसने तुम्हारे फादर से लिया पर फोर्स मतलब बाई फोर्स से, आई विल रेंडर दी अगेन इन अफेक्शन, मैं सब कुछ तुम्हें वापस कर दूंगी, विथ अफेक्शन मतलब प्यार से, वो भी ऐसा नहीं कि तुम्हें को तुम मुझे कोई फोर्स कर रही हो, बाई माई ऑनर आई विल, एंड वेन आई ब्रेक दैट ओथ, और मैं अगर ऐसा करूंगी, अगर मैं अपना वादा को तोड़ूंगी, लेट मी टर्न मॉन्स्टर, मतलब वो तो नहीं, अगर मैं ऐसा किया तो अल्लाह ताला कुछ कुछ हो जाए मुझे, भगवान मुझे कुछ कर ले, मुझे उठा ले, तो वो यहाँ पे कह रही है लेट मी टर्न मॉन्स्टर, मुझे मॉन्स्टर बन जाने दो। देयरफॉर माय स्वीट रोज, माय डियर रोज, बी मेरी, मुझे खुश खुश हो जाओ, प्लीज खुश हो जाओ, एकदम स्वीटली वो कहती है। अब रोजलिन कहती है फ्रॉम हैंस फोर्थ, ठीक है अब नाउ ऑन कजिन, फ्रॉम नाउ ऑन मतलब अब मैं, फ्रॉम हैंस फोर्थ मतलब अब से मैं, ठीक है आई विल कजिन, कॉज मतलब कजिन मैं करूंगी। अब वो कहती है एंड डिवाइस स्पोर्ट्स, अब मैं सोचती हूँ कुछ स्पोर्ट्स के बारे में, मतलब कुछ फन गेम्स, कुछ फन के बारे में कि हम लोग कैसे मतलब अपना साथ में रहें, कुछ भी कुछ तो करें हम लोग। तो लेट मी सी व्हाट थिंक, अब वो कहती है कैसे क्या है, व्हाट थिंक यू आर फॉलिंग इन लव, अब क्या ख्याल है तुम्हारा प्यार में, मतलब प्यार करने का तुम्हारा क्या इरादा है, क्या सोचे तुम्हारा प्यार के बारे में। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रोजलिन का ये प्यार के बारे में बात करना, ये सजेस्ट करता है कि आगे उन दोनों को प्यार होगा, ठीक है। आप सीलिया का जवाब सुनिए, मैरी आई प्रीडी डू, मैं बाय मैरी मतलब प्लीज, वो कहती है डू टू मेक स्पोर्ट विद ऑल, ये अच्छी हंसी मजाक के लिए ठीक है स्पोर्ट विद ऑल, बट लव नो मैन इन गुड अर्नेस, पर किसी से भी सच्चाई में प्यार मत करना, किसी भी इंसान से, नॉर मतलब किसी भी मर्द से, नॉर नो फर्दर इन स्पोर्ट्स नीदर, और फर्दर मतलब और आगे भी मत जाना इस गेम में, ज़्यादा प्यार करो अपने आगे भी मत लेके जाना, देन विथ सेफ्टी ऑफ अ प्योर ब्लश दाउ मेस्ट इन ऑनर कम ऑफ अगेन, अगर तुम अगर अपना ऑनर को नहीं खोना चाहती और सही सलामत वापस आना चाहती हो तो ज़्यादा प्यार में दूर भी मत जाना, अगर हो जाए प्यार तो दूर मत जाना। तो रोजलिन कहती है व्हाट शैल बी आवर स्पोर्ट देन, तो फिर हम लोग क्या बारे में क्या हम लोग फन करेंगे क्या करेंगे। तो सीलिया यहाँ पे कहती है लेट अस सिट एंड मॉक, अब चलो हम लोग मॉक करते हैं द गुड हाउस वाइफ फॉर्च्यून, अब ये थोड़ा कॉमेडी सीन है, चलो हम लोग फॉर्च्यून का मजाक उड़ाते हैं, फ्रॉम हर व्हील दैट हर गिफ्ट्स, ये पहले ये माना जाता था कि जो फॉर्च्यून है वो अपना व्हील्स उसका घूमता रहता है और वो ब्लाइंडली किसी को भी कुछ भी फेवर करती है, मतलब जिसको जो चाहे वो देती है ब्लाइंडली। यहाँ फॉर्च्यून को पर्सोनिफाइड किया गया एज अ वुमेन, ओके ग्रीक मैथोलॉजी में है ये चीज, शी इज अ गॉडेस, ओके फ्रॉम हर व्हील्स दैट हर गिफ्ट्स मे हेंस फोर्थ बी बेस्टोड इक्वली, चलो हम लोग जो है हम लोग उसको मॉक करते हैं और तब तक करते हैं दैट हर गिफ्ट्स हेंस फोर्थ, जब तक उसका गिफ्ट जो है वो मतलब इक्वली सबको ना दे, बराबर सबको ना ट्रीट कर, तब तक हम लोग उसको मजाक उड़ाएंगे, मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे फॉर्च्यून को, मतलब कोई लेडी है सुन रही है, बट इन रियल शी इज अ गॉडेस। तो रोजलिन कहती आई वुड वी कुड डू सो, आई विश वी वुड मतलब आई विश कैश हम लोग ऐसा कर पाते, अब वो रीजन दे रही है फॉर हर बेनिफिट्स आर माइटली मिसप्लेस्ड, क्योंकि उनका जो गिफ्ट है फॉर्च्यून मतलब तकदीर, जो तकदीर वो किसी को भी लक किसी को भी फेवर करता है, तो माइटली मिसप्लेस्ड है, एंड द बाउंटीफुल ब्लाइंड वुमेन, वो बाउंटीफुल ब्लाइंड वुमेन कह रही है फॉर्च्यून को, डॉट मोस्ट मिस्टेक्स इन हर गिफ्ट टू वुमेन, इन हर गिफ्ट टू वुमेन, जब वो औरतों को जब कंसिडर, जब औरतों की बात आती है ना लक देने का फेवर करने का, तो सबसे ज्यादा उसमें मिस्टेक वही होता है फॉर्चून का, मतलब औरतों को फेवर नहीं मिलता ज्यादा, ये चीज देखा था कि हमेशा मेन को ज्यादा फेवर किया जाता है हर चीज में ना, तो लक भी मेन का ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन।
तो यही बात वो कह रही है रोजेलिन, तो उनके दिमाग में जो चीज है, तो सीलिया कहती है इट इज ट्रू फॉर दो, अब वो अपनी बात कहती है फॉर दो डेट शी मेक्स फेयर, अब वो कहती है अब जिसको वो खूबसूरत बनाती है, मतलब जिस लेडी को वो खूबसूरत बनाती है, शी स्केस मेक्स ऑनेस्ट, बहुत कम ही लेडी हो तो जो ऑनेस्ट होती है, जो ब्यूटिफुल भी हो जो ऑनेस्ट भी हो बहुत कम है, एंड दोस दैट शी मेक्स ऑनेस्ट शी मेक्स वेरी इल फेवर्डली, मतलब और जिसको वो ऑनेस्ट बनाती है वो अगली होती है, ऑनेस्ट मतलब प्योर एंड वर्जिनल, जो प्योर हो वो इल फेवर्ड होती है वो अगली होती है। तो अब रोजेलिन यहाँ पे कहते हैं ना नो नो नाउ दाउ गोस्ट फ्रॉम फॉर्चून्स ऑफिस टू नेचर, अब तुम यहाँ पे मिक्सअप कर रही हो सीरिया, फॉर्चून और नेचर का अलग अलग रोल है, तुम इसको मिक्सअप कर रही हो। फॉर्चून रीन्स इन द गिफ्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर्चून का काम है गिफ्ट्स, मतलब क्या किसको क्या देना है, नॉट इन द लिमिट्स ऑफ नेचर, किसको कैसे क्या बनाना है वो रोजेलिन वो कहती है रोजेलिन कि ये नेचर का काम है, ये फॉर्चून का काम नहीं है। अब एंटर टचस्टोन, टचस्टोन क्या है, जटीज जो होते हैं विट जो होते हैं ना कोर्ट्स में, फूल जिसको बोलते हैं हम लोग, उस जमाने में बोला जाता था शेक्सपियर के टाइम में, और शेक्सपियरियन के टाइम में फूल मतलब वो फूल नहीं, वो फूल जो बड़े बड़े कोर्ट्स में एक हंसाते हैं या कभी कभी कनिंगली कहते हैं बहुत सारी बातें लोगों को, तो यहाँ पे टचस्टोन विभाग का वही रोल है। तो टचस्टोन आते हैं तो सीलिया कहती है टचस्टोन कुछ काम से आए यहाँ पे, बस सीलिया उनका मजाक उड़ाती है, अब देखो कैसे मजाक उड़ाती है सीलिया और रोजेलिन दोनों। अब यहाँ पे वो लोग कहती है ओह नो मैन नेचर हैड मेड अ फेयर क्रीचर, अब ये बात वो सही कहती है कि नेचर अगर किसी को बहुत फेयर बनाया है, मे शी नॉट बाय फॉर्चून फॉल इन टू द फायर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फॉर्चून की वजह से मतलब तकदीर की वजह से वो गिर जाए आग में और वो वापस से अगली हो जाए, ऐसा होता ही है ना भाई। दो नेचर हैज गिवन अस विट टू फ्लाउट एट फॉर्चून, नेचर ने तो हमें ये विट दिया है कि हम फॉर्चून के ऊपर फ्लाउट कर सकते हैं, उसका मजाक उड़ा सकते हैं। फॉर्चून हैड नॉट, अब वो कहती हैड नॉट फॉर्चून सेंट इन दिस फूल टू कट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अब वो कह रही कि देखो ये फॉर्चून ने यहां भी अपना जो है चाहे हम लोग भेज दिया है टचस्टोन को, याद है ये फूल को टू कट ऑफ द आर्ग्यूमेंट ताकि हम लोग ये डिबेट ही खत्म कर दें, फॉर्चून के ऊपर जो अपना डिबेट कर रहे हैं। तो रोजेलिन कहती है इंडीड यस देयर इज फॉर्चून टू हार्ड फॉर नेचर, वो कहती हाँ फॉर्चून बड़ा ही ट्रिकी गेम कर रहा है नेचर के साथ, मतलब नेचर और फॉर्चून को लोग मिला रही है। वेन फॉर्चून मेक्स नेचर नेचुरल, मतलब वो कह रही कि हम लोग मतलब वो कह रही है कि जब दो जो हम लोग जो बहने हैं हम लोग जो नेचर मतलब के पर बात कर नेचुरली हम लोग विट है और वो बात कर रहे हैं, फॉर्चून मेक नेचर नेचुरल द क्लटर ऑफ ऑफ नेचर विट, ये थोड़ा ट्रिकी लाइन है थोड़ा सा, मतलब उसको क्या कहते हैं यहाँ पे एडिट्रेशन है नेचर फॉर्चून नेचर नेचुरल क्लटर, तो यहाँ पे एक पन भी है, तो ये आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि ये बात का मतलब ही है कि दो औरतें जो हम लोग के पास विट है और ये विट हम लोगों को नेचर से मिला है, अब फॉर्चून यहाँ पे इंटरप्ट कर रही है, बस ये आपको दिमाग में इतना रखना है। सीलिया कहती है पर एडवेंचर दिस इज नॉट फॉर्चून वर्क नीदर, अब सीलिया उल्टा कहती है हाँ ये काम फॉर्चून का नहीं ये काम नेचर का है, बट नेचर्स हुज परसीव्ड आवर नेचुरल विट्स, पर नेचर ने ये जान नेचर सेंस कर चुकी है वी आर परसीव आवर नेचुरल विट्स टू डल टू रीजन ऑफ सच गॉडेसेस, नेचर जान गई ये चीज कि हम लोग इतने स्मार्ट नहीं है कि हम लोग जो इसके ऊपर डिस्कशन कर सके गॉडेसेस के बारे में, तो इसीलिए वो इंटरप्ट कर रही है, एक जस्टिफिकेशन दे रही है सीलिया, एंड हैज सेंट दिस नेचुरल फॉर आवर वेट स्टोन, और इसीलिए उसने ये नेचुरल मतलब ये इसको भेजा है, वेट स्टोन मतलब जो हम लोग घसते हैं ना जिससे हम लोग शार्पन होते हैं कोई चीज को हम लोग घसते हैं वेट स्टोन उसी को कहते हैं। अब वो कहती है फॉर ऑलवेज द डलनेस ऑफ द फूल इज द वेट स्टोन ऑफ द विट्स, हाँ वो कहती है जो हर स्मार्ट पीपल का जो स्मार्टनेस है वो ये लोग शार्पन करता है फूल लोग, मतलब ये लोग अपना बात कहता है तो फिर हम लोग अपना बात कहते हैं तो हम लोग और दिमाग नॉलेज और डिबेट होता है तो हम लोग का नॉलेज और बढ़ता है। हाउ नाउ विट वेदर विदर वॉन्डर यू, अब तुम यहाँ क्या क्या ढूंढ रहे हो क्या चीज वॉन्डर कर रहे हो, टचस्टोन कहते हैं मिस्ट्रेस यू मस्ट कम अवे टू योर फादर, अब वो कहते हैं सीलिया को आपको अपने फादर से मिलना चाहिए। सीलिया वर यू मेड द मैसेंजर, तुमको उन लोगों ने मैसेंजर बजाकर यहाँ भेजा है। टचस्टोन नो बाय माइन ऑनर बट आई वॉज बिट टू कम फॉर यू, आप वो जो वर्ड यूज करते हैं ना बाय माइन ऑनर, अब ये वर्ड को ये लोग लेके बहुत छेड़ेंगे इसको आगे, वो कहती है वो कहता है कि मुझे मैं आया हूँ आपको ये बात बताने के लिए। अब रोजेलिन कहती है वे लर्न यू दैट ओथ फूल, तुमने ये वर्ड कहाँ से सीखा, बाय माइन ऑनर,
तुम फूल मतलब तुम तो फूल हो, तुमको इतना कैसे, तुमको ऐसा इतना कैसे पता। तो टस्ट होना एक अजीब सा एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि ऑफ अ सर्टेन नाइट दैट सोअर बाय हिज ऑनर, एक नाइट था, एक बेर था जो सोअर कर रहा था बाय हिज ऑनर, एक बात कह के, दे वर गुड पैनकेक्स, बहुत अच्छा पैनकेक्स था, पैनकेक्स जो वो खा रहा था वो अच्छा था, एंड सोअर बाय हिज ऑनर द मस्टर्ड वॉज नॉट, और उसके ऊपर जो मस्टर्ड था वो अच्छा नहीं था, तो वो सोअर कर रहा था। Now I will stand to it. अब मैं उसको opposite कहूँगा. The pancakes were not pancake, अच्छा नहीं था, बासी था, and the mustard was good. अब mustard अच्छा था. And yet was not the night forsworn. इसीलिए जो है night क्या? इसीलिए night जो है, और तब भी जो है night झूठ नहीं कह रहा है. तो सीलिया कहती है, How prove you that in the great heap of your knowledge? तुम कैसे उसको प्रूफ करोगे कि वो गलत है, तुम सही हो? तो रोजेन कहती है, मैरी नाउ अनमजल योर विजडम, हाँ हाँ प्लीज मैरी, मतलब बाय मेरी, बाय मदर मेरी, वो कहती है प्लीज अनलीश योर विजडम, बताओ। तो टस्टन कहते हैं, स्टैंड यू बाय फोर्थ नाउ, स्ट्रोक योर चिन्स एंड स्वेयर बाय योर बियर्ड दैट आई एम अ नीव। अब एक कॉमेडी यहाँ पे, वो कहते हैं कि आप लोग अपना चिन पकड़िए और स्वेयर करिए अपने बेड्स को पकड़ के कि मैं एक नेव हूँ। ये एक आर्केक वर्ड है नेव, जिसको मतलब डिसऑनेस्ट। तो सीजर कहती है, हंस के, By our beards, हम लोग का beard से, if we had, अगर होता तब नो, but thou art, पर तुम तो एक knave हो। आप टस्टन कहते, by my knavery, मतलब by my wickedness, if I had it, then I were, अगर मेरा होता तो मैं होता dishonest, but if you swear by that, अगर तुम उसको swear कर रही हो, क्योंकि that is not, कि तुम्हारे पास तो beard नहीं है, you are not forsworn, तुमको नहीं करना चाहिए। No more was this knight swearing by his honor, for he never had any. क्योंकि जो knight है, जो brave था, जो soldier, वो जब ये swore का, उसके पास भी नहीं था। He had sworn it away before he saw those pancakes or that mustard. वो तो उसको, उसने तो पहले ही swore कर लिया, बिना उसको pancakes और mustard को देखे वो पहले ही बोल देता है। समझ रहा है मेरी बात? इसलिए वो कहता है कि मैं इसका उल्टा करूंगा। तो सीलिया कहती है, Pretty, who is that? Thou means, कौन है वो नाइट? तो टस्टन कहते हैं, one that old Frederick your father loves. अब वो प्यार करते हैं यहाँ पे, कि वो जो तुम्हारे फादर है, your father loves. तो अब सीलिया गुस्सा हो जाती है, My father's love is enough to honor him. मेरे फादर को जो प्यार है वो enough है, enough. Speak no more of him, ज़्यादा नहीं बोलो, you will be whipped for taxation one of these days. तुमको whip किया जाएगा, मारा जाएगा तुमको। तो टस्टन अब कहते हैं, अब ये बात बड़ी बात यहाँ पे कहते हैं, The more pity that fools may not speak wisely. What wise men do foolishly. वो कहते हैं, pity एक माया है कि जो fools जो है उनको बात ही नहीं करने दिया जाता है wisely, क्योंकि वही foolish things तो wise men लोग करते हैं। फूल हम लोग को फुलिश करना चाहिए, फुलिश कहना चाहिए, पर जो मैन है, जो वाइज खुद को दिखाते हैं कि वो बहुत वाइज हैं, बहुत ही मतलब बड़े लोग हैं, बहुत ही जानकार लोग हैं, वो लोग तो फुलिश काम करते हैं। तो यहाँ पे सीलिया कहती है, बाय माई ट्रॉथ दाउ सेज ट्रू, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, फॉर सिंस द लिटिल विट दैट फूल्स हैव वाज साइलेंस, ये बात जो थोड़ा बहुत भी विट है, जो नॉलेज है या जो कनिंगनेस है फूल्स के पास, वो तो साइलेंट रहते हैं। द लिटिल फूलरी दैट वाइस मैन हैव मेक्स अ ग्रेट शो, ये बात सही है, वाइस मैन के पास जो थोड़ा सा होता है उसी को लोग बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। हियर कम्स मॉन्श्योर लीबो, अब यहाँ पे मॉन्श्योर लीबो की एंट्री होती है। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत बड़ी सीन है, तो मैं उसको पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी आपको, सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।